एवरीवन, कैसे हैं आप सब? टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है टाइम का, थोड़ा सा भी चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स भी मैं एक से दो ही दे रहा हूँ पर डे का, नॉट मोर देन दैट। एंड एक क्वेश्चन था सबका कि सर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ब्रांच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और कॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखो, जब आप MDS में जाते हो तो देर इज थ्री थिंग्स, फर्स्ट इज़ ब्रांच, देन कॉलेज, देन स्टाइपेंड। और अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो उसकी फ़ीस, ठीक है? ये चार चीज़ देखी जाती है। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि सबसे पहले ब्रांच के बारे में सोचो, ठीक है? क्योंकि ब्रांच आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा। सपोज करो कि आपने कॉलेज कंप्रोमाइज़ कर लो, वो चलेगा, बट कभी भी गलती से भी ब्रांच कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। सपोज़ करो कि किसी को अच्छा रैंक है, उसको मौलाना आज़ाद लेना है और मौलाना आज़ाद में उसको इंडो मिल रहा है, बट उसका इच्छा था कि वो प्रोस्थो में करे और फिर वो प्रोस्थो उसको किसी और GDC में मिल रहा था, देन गो फॉर प्रोस्थो। क्योंकि मौलाना आज़ाद हो या एम्स दिल्ली हो, उसका नाम सिर्फ 3 साल के लिए रहेगा आपके पास, मतलब आप 3 साल के लिए वहाँ से आप कर रहे हो, बट आफ्टर दैट पूरी लाइफ अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, तो नो यूज़, कोई यूज़ नहीं रह जाएगा उसका। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना है ब्रांच, ब्रांच के बाद आपको कंसिडर करना है कॉलेज, और कॉलेज के बाद करना है स्टाइपेंड अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, और अगर प्राइवेट कॉलेज है देन गो टू द फी, कि फ़ी कितना लग रहा है, क्या वर्थ इट है या नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं ब्रांच को लेकर के कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हर इंसान का अलग अलग होगा। मैं इस पर कोई वीडियो नहीं डाल पाऊंगा कि हाँ यही ब्रांच आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो चेंजेबल चीज़ है, वो वेरिएबल चीज़ है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी। सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर सो कन्फ्यूज विद द ब्रांच, क्योंकि ब्रांच पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस शहर में करने वाले हो, आपका फ्यूचर क्या आपने सोच रखा है उस पर डिपेंड करेगा। सो इफ़ यू गोइंग फॉर द ब्रांच टाइप ऑफ थिंग, तो फिर आप एक बार कंसल्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि ब्रांच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप किस सिटी में प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका ब्रांच, कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, आपको क्या इंटरेस्ट है, फ्यूचर में आपने क्या सोच रखा है, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में जाना है, सर्जरी में जाना है, या फिर नॉर्मल डेंटिस्ट्री में ही रह जाना है आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिर्फ फटाफट। रैंक है 3536, आई वॉन्ट टू डू कम्युनिटी, मतलब PhD करना चाहते हैं, विच कॉलेज? देखिए, इस पे डिपेंड, ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना नहीं है PhD का इस रैंक पे, तो यू हैव टू गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। सो बजट देखिए आप, क्या आपका बजट, मैं कहूँगा डीम यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, मणिपाल चले जाइए करने के लिए, इट्स गुड। अगर आपको PhD ही करनी है देन गो फॉर द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, ओके? कि ऐसे भी किसी भी कॉलेज से PhD मत करो, फिर अच्छे कॉलेज में जाओ। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू आर अनेबल टू डिसाइड योर ब्रांच या कन्फ्यूज हैं दो ब्रांच के बीच में, कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।